एलएसी पर बड़ा तनाव, 45 साल बाद भारत चीनी सैनिकों के बीच फायरिंग। नमस्कार दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीनी सैनिकों की ओर से फिर घुसपैठ की कोशिश के चलते करीब 4 दशक बाद सोमवार देर रात पहली बार दोनों तरफ से गोलीबारी की खबर है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। ये वही जगह है जहाँ पिछले 3 महीने से भारत और चीन के सैनिकों के बीच गहमा गहमी बनी हुई है। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के सामने डटे हुए हैं। बता दें कि एलएसी के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है और दोनों ओर से सैन्य तथा कूटनीतिक स्तर पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। खास बात यह है कि 1975 के बाद सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस तरह से पहली बार फायरिंग हुई। चीनी रक्षा मंत्रालय चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमान के प्रवक्ता कर्नल झांग शुइली की ओर से देर रात किए गए बयान में कहा गया कि भारतीय सैनिकों की ओर से कथित उकसावे की कार्रवाई की गई, जिससे चीनी सैनिकों की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल झांग शुइली ने यह भी खुलासा किया कि भारतीय सेना ने अवैध रूप से सोमवार को पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे के पास शनपाओ पहाड़ के वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास को पार किया। भारतीय सेना के सूत्रों ने पुष्टि की कि वार्निंग शॉट्स फायर किए गए थे। सीमा पर तैनात सैनिक तब से हाई अलर्ट पर हैं जब से उन्होंने काला टॉप और हेलमेट टॉप को अपने नियंत्रण में लिया और चीनी सैनिक इन दोनों चोटियों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गोलीबारी की घटना पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एलएसी में सटे हुई। हालांकि सूत्रों ने दावा किया कि स्थिति नियंत्रण में है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।